नमस्कार दोस्तों, जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद अदा करता हूँ। जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे मेरे सारे अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मुझे आप सभी से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, आप मेरे वीडियोस को फॉरवर्ड भी करते हैं, बहुत अच्छे जो मित्र हैं मेरे वो उनको फॉरवर्ड करते हैं, तो आपको भी वीडियो पसंद आए तो दोस्तों उसको फॉरवर्ड जरूर कीजिए। मित्रों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका नाम है पित्त को कैसे शांत रखें। आज मैं बताऊंगा कि कफ को कैसे शांत रखा जाता है। तो दोस्तों, कफ में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में तीन चीजें चलती हैं, वात, पित्त और कफ। इनका बैलेंस जब बिगड़ने लगता है तो शरीर के अंदर बहुत सारे रोग घर करने लगते हैं। तो दोस्तों, मैंने पित्त प्रकृति आपको बता दी, पित्त को डिस्टरबेंस करने वाली चीज है, टूथ पेस्ट जो होता है वो पित्त को डिस्टर्ब करता है, तो वो अगर छोड़ दे आदमी तो बहुत सारी समस्याएं उसकी दूर हो जाती हैं। इसी तरह से मैं अब आपको बताऊंगा कि कफ क्या होता है। दोस्तों, मोस्टली कफ जो है, कफ का कार्यकाल है जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के 14 वर्ष तक, मतलब जब तक बच्चा 14 ईयर्स ओल्ड नहीं हो जाता तब तक कफ के प्रभाव में ही रहता है। समझ में आया? मतलब अगर कोई बच्चा है उसको कफ अगर है, भाई वो एक नेचुरल है, आप ये नहीं कह सकते साहब इसको सर्दी जुकाम हो जाता है, बहुत ज्यादा ये हो जाता है, तो उसको आपको एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। वो एक्स्ट्रा केयर क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों को ज्यादा कफ है, ज्यादा शिकायत होती है कफ की, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कफ के प्रभाव में क्या होता है। मित्रों, एक बहुत इंटरेस्टेड बात है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि कफ का जो प्रभाव होता है, कफ के प्रभाव में जो बच्चे होते हैं, मतलब जो उनकी एज होती है, तो कफ के प्रभाव में वो सोते बहुत हैं। आपने देखा होगा मोस्टली बच्चों को नींद बहुत आती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा नींद आती है, 16 से 18 घंटे तक सोते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं, धीरे धीरे उनकी नींद गायब होना शुरू हो जाती है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी नींद कम होने लगती है ना। तो 8 साल तक का जो बच्चा है अगर वो 16 घंटे भी सो रहा है, 12 घंटे भी सो रहा है, 14 घंटे भी सो रहा है, तो आप उसको सोने दीजिए, भले ही वो इंटरवल में सो रहा है या लगातार सो रहा है, क्योंकि बच्चा जितना ज्यादा सोता है कफ उसका उतना ही शांत रहता है। कफ की स्थिति में आप किसी बच्चे के पढ़ाई की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर किसी को बहुत तेज सर्दी जुकाम हो रहा है और अपन उससे बोले कि आपको पढ़ना है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता, कफ की स्थिति में हमारा भी सर फटा जाता है, पूरी नसें काम करना बंद कर देती है, दिमाग की आदमी बोलता है कि आज मुझे रेस्ट करना है, बच्चे कफ के प्रभाव में रहते हैं, तो इसलिए उनका कफ अगर विकृत रूप ले लेता है तो उनको बीमारियां होनी शुरू हो जाती और यही बीमारी परेशानी का कारण है। तो उनका कफ शांत रहे इसके लिए आपको उन्हें छूट देनी पड़ेगी सोने के लिए। अगर बच्चे सोते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे देश में दोस्तों एक बहुत बेकार चीज है वो है हमारे स्कूलिंग सिस्टम जो है, सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चों को सर्दियों में बुलाते हैं स्कूल में, वो बच्चे में विकृति लाता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप स्कूल भेजना छोड़ दीजिए बच्चे को, लेकिन स्कूल प्रबंधन को इस बारे में समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई छोटे बच्चे जो हैं, जो 8 साल से कम उम्र के हैं, उनके स्कूल की शिफ्ट दोपहर में होना चाहिए, दोपहर में कफ शांत रहता है। मैं आपको एक बहुत डिटेल वीडियो बना के दूंगा, उसमें मैं आपको वात, पित्त, कफ तीनों का टाइम बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ कफ की बात कर रहा हूं, इसलिए अभी मैं ज्यादा दूसरे सब्जेक्ट में नहीं जाना चाहता। तो कफ का जो प्रभाव है वो मॉर्निंग आवर्स में होता है और मॉर्निंग आवर्स में बच्चों को जाना पड़ता है, तो नेचुरल सी बात है कि सर्दी जुकाम उनको होगा जल्दी जल्दी।
बिस्तर, गर्म बिस्तर में से निकाला बच्चे को, नहलाया धुलाया, उसको स्कूल भेज दिया, तो नुकसान करेगा। तो स्कूल का टाइम दोपहर का होना चाहिए छोटे बच्चों, कई जगह होता भी है, कई जगह जो स्कूल प्रबंधन इस बात को जानते हैं छोटे बच्चों को दोपहर में ही बुलाते हैं वो लोग। चलिए खैर वो एक अलग बात हो गई। तो एक तो बात है कि कफ में बच्चों को जो नींद आती है उनको सुलाना चाहिए, सुलाने से कफ शांत रहता है। सबसे पहला इलाज, बहुत आसान इलाज है, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, जिन बच्चों को साबुन ज्यादा यूज किया जाता है, साबुन एक्चुअल में कफ जनरेट करता है। अब आप बोलेंगे अरे ये क्या बात, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैं। जैसे टूथपेस्ट आपके पित्त को भड़काता है, सेम यहां पे साबुन का यूज नहीं करना चाहिए। बच्चे को नहलाने के लिए साबुन कभी यूज मत कीजिए। साबुन अगर आप यूज करते तो आप मान के चलिए कि बच्चे को जुकाम बार बार होगा। अब ये आपको मैनेज करना, मैं आपको बता देता हूं, मुल्तानी मिट्टी से भी आप उसको धुला सकते हैं, नहला सकते हैं, और बहुत सारे आटे हैं उनसे भी आप उनको उपटन जैसा बना के साफ कर सकते हैं। बच्चों को उपटन बनाना बहुत से लोगों को आता है, वो भी बनाई जा सकती है, आटे से बनती है, हल्दी डाल देते हैं उसमें, हल्की सी शरीर साफ हो जाता है। मालिश करिए उनपे, तेल की मालिश करने से कफ शांत होता है। आपको याद होगा कि पहले जो पुराने बहुत छोटे बच्चे होते थे, दादी माँ के जमाने में उनके कान में तेल डाला जाता था बच्चों के, उससे भी कफ शांत होता है, इसलिए डाला जाता था। लेकिन अब आजकल के लोग उसको कहते हैं अरे कान खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों, कि इसमें सब बेसिक चीज यही है कि आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है बच्चे के ऊपर। अगर आप साबुन का इस्तेमाल करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि बच्चे को प्रॉब्लम में। चंदन पाउडर से भी आप बच्चों को नहला सकते हैं, मसूर दाल के आटे से भी आप उनको उपटन बना सकते हैं और शरीर को साफ कर सकते हैं। बस साबुन आप यूज मत कीजिएगा, ये बहुत नुकसानदेह होता है बच्चों के लिए। तो दोस्तों आज मैंने आपको कफ के प्रभाव बताए, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वात के रोगियों को क्या चीज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए वात पित्त और कफ तीनों को मेंटेन रखेंगे तो ही स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।